डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्लीन द डेटा इन एस पी एस एस समाइम वन वी आर डीलिंग विद द लार्जर सेट ऑफ द डेटा वी मे हैव सम मिसिंग वैल्यूज और वी मे हैव सम रॉन्गली एंटर दैर वैल्यूज फॉर इंस्टेंस आपने डाटा कलेक्ट किया फील्ड से उसको ला के आपने शीट uh, में एस पी एस एस शीट में एंटर किया एंटर करते वक्त आप कोई वैल्यू मिस कर गए या आपको क्वेश्चन ईयर में वो वैल्यू जो है उसके ऊपर जो वेरिएबल है, है उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपने एज इट इज़ ही उसको वहाँ पर खाली छोड़ दिया तो जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यानी वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाली कोई कोड नहीं डाला तो उसको हम क्या कहते हैं हम उसको मिसिंग वैल्यू कहते हैं मिसिंग वैल्यू वेरिएबल्स के बेसिस पे हम उसको डील करते हैं जैसे कि अगर तो वेरिएबल नॉमिनल या ऑर्डिनल है जैसे कि जेंडर का वेरिएबल है एज का वेरिएबल भी हो सकता है एजुकेशन का वेरिएबल हो सकता है लिविंग एरिया का वेरिएबल हो सकता है जिसमें आपके पास इसको आपने नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे मैयर किया हो तो उसको हम क्या करते हैं हम उसको फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करते हैं मोड के साथ यानी आप उस वेरिएबल के लिए मोड निकाल लेंगे और मोड़ निकालने के बाद आपकी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसके साथ रिप्लेस हो जाएंगी दूसरा जो है हम देखते हैं कि अगर मिसिंग वैल्यूज़ कंपोजिट स्कोर्स हो यानी आपने कोई ओवरऑल एक स्कोर डेवलप किया है ऑन किसी स्केल को यूज़ करते हुए जैसे इस स्क्रीन में दिखाया गया है कि आपके पास पोस्ट पेंडेमिकयर ऑफ वायरल डिजीज़ है और जन एंगजाइटी जनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर है Uh, तो इसमें आपके पास नज़र आ रहा है कि आपके पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं जब आपके पास ऐसा केस हो तो आप क्या करते हैं आप एक कमांड है एस की जिसको हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू एनालिसिस वो यूज़ करते हैं इस कमांड को परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप टूल बार में ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़ का जो कमांड है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो भी आपका वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज़ मिसिंग हैं पर ये वेरिएबल जो है वो लिक्विड स्केल पे होना चाहिए या कंपोजिट स्कोर होना चाहिए तो उसको आप क्लिक करेंगे उसको डायलॉग बॉक्स में यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लाएंगे, और आपका जो मिसिंग वैल्यू का मेथड होगा वो सीरीज मीन होगा यानी आप इस वेरिएबल का जो मीन निकाल कर उस मीन के साथ जो है जो मिसिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे जैसे यहाँ पर अब गैट का स्कोर मिस है तो हम अगर इसका एनालिसिस किया है हमने रिप्लेस मिसिंग वैल्यू का तो हमने इस मिसिंग वैल्यू के लिए जो स्कोर ऐड किया है आ, उस कमांड को परफॉर्म करते हुए वो अलेवन पॉइंट फोर है यानी हमने उसके मीन यानी इस वेरिएबल का जो मीन था अलेवन पॉइंट फोर उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया है और इस कमांड को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके पास न्यू वेरिएबल जनरेट कर देता है विद एडिंग बाय एडिंग मिसिंग वैल्यूज़ उसी में आपकी मिसिंग वैल्यूज़ को ऐड नहीं करता बल्कि अलग से एक नया वेरिएबल जनरेट करता है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है स्टूडेंट्स जब आपने मिसिंग वैल्यू एनालिसिस करना हो तो उसमें आपने पहले क्या करना है कि आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एनालाइज में जाकर डिस्क्रिप्टिव स्टिस्टिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी का जो टैब है उसको क्लिक करना है और आपने सारे अपने वेरिएबल्स सेलेक्ट करके जो है उसको क्लिक कर देना है इसमें और इसमें आपने जो है फ्रीक्वेंसी टेबल्स को जो है सेलेक्ट करना है ये ऑटोमेटिकली वैसे सिलेक्ट भी होता है और यहाँ पर आपने ओके okay का बटन दबाना है तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसीज तो नहीं अभी देखनी हमने हम फर्स्ट जो है हमारा एक टेबल बनेगा जिसमें ये हमारे पास बता रहा होगा कि हमारे पास कितने वैलिड केसेस हैं और किस किन केसेस में किन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ मिस हैं जैसे हमारे पास ओवरऑल सैंपल थ्री नाइन्टी फोर का है टाइम में वो सैंपल पूर, पूरा है जेंडर में फाइव वैल्यूज मिसिंग है एज में ठीक है मंथली फैमिली इनकम में ठीक है एजुकेशन में ठीक है लिविंग एरिया में भी सबकी जो है वैल्यूज़ मैंशन है मैरिटल स्टेटस में सिक्स वैल्यूज़ मिसिंग हैं फिर आगे जाके आपका जो जेंडर जनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर का स्कोर है उसमें सेवन वैल्यूज़ मिसिंग है तो अब हम देखते हैं कि हम जो है इस वैल्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इनको फिर कैसे हम रिप्लेस करेंगे तो जो वैल्यूज़ जेंडर में मिस हैं तो आपने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जेंडर के कॉलम पर जाकर राइट right क्लिक करना है और कंट्रोल एफ़ की आपने कमांड को यूज़ करना है फाइंड की रिमांड को और इसमें आपने जब मिसिंग वैल्यू होगी तो वो डॉट की फॉर्म में होगी डाटा सेट में तो आपने इसको फाइंड कर लेना है कि एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू और ये आपको सारी अपनी वैल्यूज़ बता देगा कि भाई कहाँ कहाँ ये मिसिंग है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो है जब नॉमिनल या ऑर्डिनल वेरिएबल हो तो हम उसमें जो है मिसिंग uh, वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं मोड के साथ तो हम दोबारा एनालाइज में जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को सिलेक्ट करते हुए डिस्क्रिप्टिव में आएंगे और जेंडर में सेलेक्ट करके इसके ऑप्शंस में हम इसका जो है हम एनालाइज़ में आएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और फ्रीक्वेंसी में जाकर हम जेंडर को सिलेक्ट करके स्टेटिस्टिक्स uh, में जो है वो मोड सेलेक्ट कर लेंगे सेंट्रल टस्ट्री में से कंटिन्यू करेंगे और ओके okay करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाएगा आपके सामने जिसमें मेल की आपको बताया गया टू फिफ्टी पर और 250 है और फीमेल की टू फिफ्टी है और मेल की 139 है और फाइव वैल्यूज़ मिसिंग हैं तो इट मींस दैट के जो इस डेटा सेट का है मोड है वो फीमेल है तो हम इसको फिर फीमेल की वैल्यू जो कि इसमें कोड ज़ीरो है उसके साथ रिप्लेस करेंगे रिप्लेस करने के लिए हम इसको ओवरऑल जेंडर के वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल एफ़ की कमांड को फिर यूज़ करेंगे वहाँ पे डॉट के साथ इसको रिप्लेस करेंगे कि रिप्लेस डॉट विद ज़ीरो और नीचे रिप्लेस ऑल को सेलेक्ट करेंगे जब आपको रिप्लेस ऑल को सेलेक्ट करेंगे तो साथ ही ये आपको बता देगा कि फ़ाइव रिप्लेसमेंट्स पर मेड आप उसको ओके okay कर देंगे तो अब इसमें जो आपकी फाइव जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो मोड के साथ चेंज हो गई जो कि इस वेरिएबल के लिए फ़ीमेल था यानी फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा थी अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कंपोजिट स्कोर हो Uh, जैसे कि ये जनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि वैल्यूज़ मिसिंग हैं। इसका हम एनालिसिस कैसे करेंगे इसके एनालिसिस के लिए हम ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे और रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये यह हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आप इसमें अपने इस वेरिएबल गैड गैड को सिलेक्ट करते हुए इसको यहाँ पे ले आएंगे और एक नया वेरिएबल जनरेट करेंगे जिसमें आप मिसिंग वैल्यूज़ को सीरीज़ मीन के साथ जो है रिप्लेस करेंगे इसके और भी मेथड हैं पर जो मोस्टली यूज़ होता है वो सीरीज़ मीन ही है यानी इस वेरिएबल का मीन निकाल कर उसको उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए मिसिंग वैल्यूज़ के साथ ओके okay करेंगे यहाँ पे आपको आउटपुट व्यू में कमांड आ जाएगी कि ये आ, जो है जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर दिया गया आ, जो वेरिएबल आपके पास न्यू जनरेट हुआ है ये उसका नाम है और रिप्लेस्ड मिसिंग वैल्यू सेवन है जो फर्स्ट जो थी वो वन केस नंबर था और जो लास्ट है वो थ्री नाइन्टी फोर यानी इनके दरमियान जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस की गई हैं और अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो मिसिंग वैल्यू थी इसको जो है सीरीज़ मीन जो इस वेरिएबल का था अलेवन पॉइंट थ्री उसके साथ रिप्लेस कर दिया गया तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू थी वहाँ वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 11.3 की वैल्यू आ गई तो ये प्रोसीजर है एस पी एस एस में आ, मिसिंग वैल्यूज़ को एड्रेस करने का और ये हमें ज़रूरी होता है कि हम मिसिंग वैल्यू एनालिसिस कर लें और ये डाटा क्लीनिंग का पार्ट है एनालिसिस करने से पहले हम ये ज़रूर परफॉर्म करते हैं